हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नंदिनी आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ लेकर आई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि महिलाएं साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान रखती हैं और शायद जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है किसी भी सूरत में, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे चाची, नानी, दादी, कोई भी हो। तो अब समस्या ये है कि जब त्यौहार हमारे सामने आते हैं या सर पे पड़ते हैं, तो सबसे पहले बात उठती है साफ़ सफाई की। अब अकेले साफ़ सफाई भी करना, या ऑफिस देखना, या बाजार हाट देखना, या बड़े बुज़ुर्गों को देखना, उसी में नहाना धोना, तो रोज़ तो हम बाल नहीं धो सकते। हाँ, साथ में बहुत सारे लोग घर में हो काम कराने वाले, तो रोज़ तो बाल नहीं धो सकते। और दूसरी चीज़ ये कि अगर साफ़ सफाई कर भी रहे हैं और उस बीच कोई आ गया, तो पता चला कि हम दुपट्टा बांधे हुए हैं सिर पे, या तौलिया बांधे हुए हैं, या कोई ऐसे टुकड़ा कोई बांध लिया कि हाँ सिर पे डसना पड़े, भाई साफ़ सुथरा रहे। तो उससे बचने के लिए और ऐसी और स्थिति से बचने के लिए मैंने एक उपाय निकाला है, क्योंकि ये समस्या जब मैंने खुद झेली तो मुझे लगा कि नहीं, इसका तो कुछ उपाय निकालना चाहिए। तो आज मैंने उपाय निकाला है और जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको बताऊँगी, आप बनाइएगा। मैं तो बताते बताते अपना बना लूँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है और मुझे शेयर करने में बहुत आनंद आता है। मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं रखती। तो उसके लिए हमें चाहिए 20x20 का स्क्वायर कपड़ा, कॉटन, प्योर कॉटन लीजिएगा, सिंथेटिक मत लीजिएगा, नहीं तो ये जो हम कैप बना रहे हैं ये गर्म करने लगेगी। काम करते समय सिर पे ही पसीना ज़्यादा आता है, तो कॉटन रहेगा तो एरी रहेगा थोड़ा सा और ठंडा रहेगा, और धोने में आसान, सुखाने में आसान। टेरिकॉट भी धोने सुखाने में आसान रहता है, लेकिन वो एरी नहीं होता है, वो और उसी में उमस कर देता है, जिससे बाल आपके और स्टिकी हो सकते हैं। तो प्योर कॉटन लीजिए, 20x20 स्क्वायर पीस लीजिए। इसके साथ इसी कपड़े का छोटा सा एक 4 इंच का लूप बना लीजिए और थोड़ी सी उससे अपोजिट कलर की लेस ले लीजिए। मैंने वाइट कलर की ली है, क्योंकि ये डार्क बॉटल ग्रीन है। तो और एक थोड़ी सी हमें ये इलास्टिक चाहिए होगी, आपके सिर की गोलाई से बस 4 अंगुल छोटी चाहिए होगी। जितनी आपकी सिर की गोलाई है, पूरी गोलाई का नहीं लेना है, उससे गोलाई से 4 अंगुल, बस 4 अंगुल छोटा लेना है। और थोड़ी सी स्मूथ लेनी है, जो सिर पे दबाए ना, सर दर्द ना करा दे, इतनी लेनी है। और बहुत हार्ड इलास्टिक है अगर आपके पास, तो उसको और 3 अंगुल कर लीजिए, लेकिन छोटा नहीं करिए, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा सिर पे और फिर वो दर्द करेगा सिर और निशान भी छोड़ देगा। तो ये तो हो गया हमारा सामान। और लेस लगाने का मतलब, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे डस्टिंग करनी है हमें, पूरे घर की साफ सफाई करनी है, तो इसमें लेस की क्या। अब भाई हम महिलाएं हैं तो थोड़ी साज सज्जा तो हमारी बनती है, चाहे हम सफाई ही क्यों ना कर रहे हों। तो अब ये इसमें यह है कि मेरा ये लगाने का मकसद ये है कि जब हम कोई काम करते हैं, बहुत बुरी तरह से व्यस्त होते हैं, तो अचानक से मिलने वाले जरूर आ जाते हैं। अब उसमें जाके मुंह धो, बाल झाड़ो, ये करो, तो कपड़े तो जो हैं सो हैं, छोड़िए, इतनी जल्दी कपड़े कौन बदलता है। तो अब हम ये कैप पहने पहने भी उनके सामने चले जाएंगे, अगर ये लेस हमने लगा दी, थोड़ी साज सज्जा कर दी, ये कैप पहने पहने भी चले जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगता है जब हम डस्टिंग के लिए कि भाई बाल गंदे ना हो, कल ही धोए थे या परसों धोए थे, या धोने का मन नहीं है या टाइम नहीं है, तो हम कभी तौलिया बांध लेते हैं, कभी दुपट्टा बांध लेते हैं, कि या कोई कपड़े का पीस बांध लेते हैं और फिर उसको उठा के इधर उधर फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ये कैप बना लें, थोड़ी सी अच्छी बना लें, अब कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारे सिर पे तो ये अच्छी सी कैप रहेगी रहेगी। तो हर चीज़ साज सज्जा के साथ की जाए, तो कभी भी किसी भी बुरी स्थिति में फंसने से हम बच सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा ये बनाने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी, अब मैं काम करती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि पर्पज़ क्या है इस चीज़ को बनाने का। लीजिए, मैं फिर इतना बोल गई। अब हम ये स्क्वायर पीस को एकदम स्क्वायर पीस में फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा फोल्ड हो गया। अब चूंकि ये 20x20 का था, फोल्ड करने पे ये 10x10 का पीस बन गया। तो अब इसको हम जिधर से ये खुले पीस हैं, ये जो बंद पीस है इधर से हमें नहीं लेना है, ये जो हमारे ये जो खुले हुए पीस हैं इस तरफ से हमें निशान लगाना है।
अब ये 10 बाई 10 का पीस हो गया है, तो इसको सीधे 5 इंच पे निशान लगा दीजिए। यहाँ ये 5, ये 5, 5 इंच का निशान इधर लगा दीजिए और 5 इंच का निशान ये इधर लगा दीजिए। तो ये हमारा सेंटर निकल आया। ये हमारे देखिए, ध्यान रखिए ये पीस जुड़े हैं दोनों, और ये इधर से पूरा जुड़ा है। ये दो तरफ के पीस खुले हुए हैं, ये पूरे चारों पीस खुले हुए हैं। तो खुली तरफ हमें ये निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें इसको हल्की सी गोलाई देनी है, बस ये इस तरह से करते हुए इसको गोलाई दे दीजिए। और जो 20 बाई 20 मैंने नाप बताई है, ये एकदम स्टैंडर्ड नाप है। ये किसी भी सिर में, बच्चों के नहीं, जो थोड़े से साफ सफाई करने वाले लोग हैं घर में, उनके सिर में आसानी से आ जाएगी। तो इसको अब हम यहाँ से कट करते हैं। ये देखिए, इसको अब हम खोलेंगे तो ये हमारा पूरा गोल पीस निकल आएगा। ये देखिए, एकदम गोल पीस आ गया है ना। तो अब क्या करना है कि इसमें पहले हम यहाँ पे करीब 4 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे चारों तरफ, इस तरह से 4 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे। निशान लग गया है, अब इसको हम गोलाई से जोड़ देंगे सब पूरा। ये हमारा गोला तैयार है। अब इस निशान पे हमें ये लेस लगानी है। बस गोलाई से ये लेस अब हम इसको जोड़ देंगे। अब इसमें छोटी छोटी हम फ्रिल भी डाल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी लगेगी। थोड़ी दूर दूर पे डालेंगे, आप घने भी डाल सकती हैं इस तरह से। आपको देखने में ये पीस बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन 20 इंच इसलिए लिया है मैंने कि ये जब सिर पे फंसाया जाए तो एकदम टाइट ना रहे, ढीला ढीला रहे। मान लीजिए आपके बाल बड़े हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बहुत बड़े होते हैं, इतना बड़ा तो जुड़ा ही हो जाता है किसी किसी का। तो पूरे बाल पूरे जुड़े के नीचे से पूरी चोटी अंदर करते हुए ये पूरा कवर करना है, और इसको जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं माथे से, वहाँ से लेकर के और पीछे गर्दन के नीचे से पूरा बाल अंदर करते हुए इसको लगाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरा बनाऊंगी।
प्रिंटेड कपड़ा ले रही हैं तो आपको लेस की जरूरत ही नहीं है, प्रिंटेड कपड़ा तो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये जो हेयर कैप है ये केवल डस्टिंग के लिए ही काम नहीं आएगी, ये आप ये कैप अभी भी बहुत से घरों में गेहूं भिगा जाता है, चावल फटका जाता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करती हैं लेडीज, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी डस्ट का काम है आप वहाँ इसको लगा लीजिए, यहाँ तक कि अगर आप सफ़र से जा रही हैं, कहीं ट्रेन में बैठी हैं या बस में बैठी हैं या बाइक पे बैठी हैं या कार में बैठी हैं, शीशा नहीं बंद करना है, तब भी आप इसको लगा सकती हैं आराम से। और ये क्योंकि ढीली ढीली कैप रहेगी तो ये आपके बाल को ख़राब भी नहीं करेगी और डस्ट भी नहीं पहुंचेगी और आपके बाल भी सुरक्षित रहेंगे, गंदे भी नहीं होंगे। ये हमारी लेस लग गई। अब हम इसमें इलास्टिक डालने की जगह बनाएंगे, बस इसको ऐसे फोल्ड करना है और चौड़ाई जितनी इलास्टिक की चौड़ाई हो उतनी आप रख सकती हैं। अब ये गोल है, इसको थोड़ा सा सिलने में दिक्कत आएगी। प्लेट्स डाल डाल कर करी इसको सिलना है। धागा निकल गया है, मैं धागा डाल लूं, डार्क कलर का धागा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, धागा हमारा पड़ गया ये। अब यहाँ ये देखिए ये झोल आएगा इस तरह से, तो इसको मोड़िए, यहाँ प्लेट्स डालिए और इसको सिल दीजिए सफाई के साथ इस तरह से। जहाँ पर
गोलाई शेप आता जाता है, तो उसमें थोड़ी सी रेब आती है और झोल आता है, तो वहाँ पे आपको प्लेट डाल देनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बनाते बनाते मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं हमारे बीच में ऐसी होती हैं कि वो ये सोच के काम नहीं करती कि अरे हमसे सफाई से नहीं बनेगा, तो मैं इतनी सफाई से नहीं बना पाऊँगी। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन किसी में नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। अब रोटी ही जो हम बनाते हैं, अगर उसको देख लें, तो अगर हम पूरा कंपास स्केल सब लेके बैठ जाएं, तो किसी की रोटी पूरी गोल भी नज़र नहीं आएगी। तो चीज बनाएं, सीखें, कोशिश करें, पीछे ना हटें। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, और सबसे बड़ी चीज कि आप बनाएं, आप कोशिश करें, क्योंकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई चीज बनाएंगी, दूसरों के लिए नहीं। और जब अपने लिए बनाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उसका इस्तेमाल करेंगी, बिना ये सोचे कि आपको कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। इसकी उम्मीद मत रखिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जहां उम्मीद करी आप पीछे हो जाएंगी। उम्मीद पे कोई काम मत करें, बस उसको करें और उपयोग करें, लागू करें। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो सिलाई का हो, कढ़ाई का हो, खाने का हो, बात करने का हो, सब चीज़ में बिना हिचक अपने भावों को व्यक्त करें, जैसे भी कर सकती हैं। सुई धागे, भाषा, सिलाई बुनाई, नमक मिर्च, जो भी है, ये सब एक तरह से भाषा ही है।
कला की अलग भाषा होती है और उसको पहचानने वाले बहुत कम होते हैं, उसको बढ़ावा देने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। अब यहाँ पे हमने ये शुरू किया था और यहाँ पे हमने इसको खराब कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा हिस्सा जहाँ यहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी और यहाँ पे लाके ख़त्म की है, और ये हम यहाँ पे इलास्टिक डालने की थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है। तो ये हमारी सिलाई है और ये जो लूप है हमारा, इस लूप को हमें जहाँ पे ये सिलाई छोड़ी थी वहीं पर हम इसको टांग देंगे सिलाई के ऊपर से, ताकि ये जगह बंद ना होने पाए। और ये लूप इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसको उतार कर रखें तो ये इधर उधर कहीं पड़ा ना रहे, बस एक मोटी पे आप इसको ले जाके टांग दें ताकि ये सुरक्षित रहे और जब आपको ज़रूरत हो तो दोबारा मिल सके। धागा खत्म हो गया, 2 मिनट लगेगा। मैं बात कर रही थी परफेक्शन की, तो ये लूप लगा लेते हैं। तो मैं बताती जाती हूँ, लूप तो आप लगा ही लेंगी। और ये यहाँ पे सिलाई छोड़ी थी, यहाँ से हम इसको ऐसे लगाएंगे, पहले इस तरफ से लगाएंगे अंदर की तरफ से, फिर इसको हम पलट के सिल देंगे। यहाँ पे कम से कम 3-4 सिलाई चला देंगे। अब ये लूप हम इधर पलट देंगे, कितने धागे इसको काट देंगे सफाई से। तो ये हमारा लूप भी लग गया और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए, तो बात मैं कर रही थी परफेक्शन की, वही उसी तरह की सेफ्टी पिन जो मैंने आपको बताई थी, इसको हम यहाँ डालेंगे। अब इसमें हम डालना शुरू करेंगे। तो बहुत, हाँ तो मैं बात कर रही थी परफेक्शन की, मैं अपनी बात पूरी करूँगी ज़रूर। और परफेक्शन से मत डरिए, मत घबराइए, और कभी भी कोई अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी अपने काम में चाहे जितना भी माहिर हो, घर में तो कोई कुछ नहीं कहता, मतलब आदमी से मेरा मतलब है आदमी औरत दोनों, और आपको पता है कि आप कितने काबिल हैं, लेकिन बाहर जाके जब बॉस से डांट खा लेते हैं तब ये लगता है ना कि अरे वाह, हमको तो हमको ये काम आता है, फिर भी इन्होंने हमें डांटा और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस ऑफिस में। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है, पूरा मत मानिएगा, हालांकि डांट पड़ती नहीं किसी को, लेकिन सुनने में आता है कि आज फलाने को डांट पड़ी, उसको डांट पड़ी, उसको डांट पड़ी। तो परफेक्ट कोई नहीं होता, बॉस भी जानते हैं, मतलब बॉस से मेरा मतलब यहाँ पर है डांटने वाला, वो भी ये जान रहे हैं कि इसने ये काम किया है और कोई दूसरा इसको कर भी नहीं सकता। तो इसका मतलब कि आप में परफेक्शन है, कोई जाहिर ना करे वो बात अलग है। तो कोई भी काम हो उसको आप करें, पीछे ना हटें, और अपने ऊपर सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। इसको ऐसे खींच के पूरा डाल ले, ये देखिए हमारी कैप तैयार होने वाली है। अब यहाँ से हम खींच रहे हैं इसको, जो है यहाँ पे हम पहले पिन से टक कर देंगे, नहीं तो ये अंदर चला जाएगा। इसको बस ऐसे पिन से लगा दीजिए ताकि ये अंदर ना खिसक नहीं पाए, क्योंकि अभी हम खींचेंगे इसको, इसको हम पूरा इधर चढ़ा देते हैं। देखिए पिन से रुक गया है,
यहाँ बाहर आ गए हैं। अब ये पिन निकाल देंगे, इलास्टिक पकड़ लेंगे और इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी कैप लगभग तैयार है, लेकिन अभी एक काम बाकी है। अब ये जो इलास्टिक है इसको थोड़ा सा बाहर खींच लेंगे और इन दोनों को यहाँ ऐसे मिला के सिल देंगे मशीन से। कम से कम 3-4 मशीन चलाएंगे। ये अब ये अंदर चला गया, ये पूरी तरह से कवर हो गया। सारी इसकी जो चुन्नट है बराबर कर लें और अभी आपकी कैप बिल्कुल तैयार। हमारी कैप तैयार हो गई है। और उम्मीद है आप अभी इसको आप पहन सकती हैं। ये जो हिस्सा है इसको पीछे गर्दन की तरफ रखिएगा, बस इसको माथे पे फंसाइए, पहनिए और शान से घर की सफाई कीजिए और लोगों की वाहवाही लूटिए। उम्मीद है आपको ये कैप पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही यूज़फुल लेके फिर मिलेगी। नमस्कार।